हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर हंग्री में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्रीमी पिंक सॉस पास्ता की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके पैन रख लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे 2 क्यूब के लगभग बटर। बटर थोड़ा मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन बारीक कटा हुआ। गार्लिक को कुछ सेकंड भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 फाइन चॉप्ड मीडियम साइज अनियन, बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अनियन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। ये मैंने लाल देगी मिर्च का यूज़ किया है 2 टेबल स्पून। इसको भी हम 2 सेकेंड भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है एंड और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ओरिगैनो लिया है। दोनों को हम साथ ही मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर। लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे हम 12 से 13 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये टमाटर प्यूरी हमारा अच्छे से पक जाए। 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्यूरी अच्छे से पक चुकी है। इसमें ऐड करेंगे मिक्स पास्ता मसाला 2 टेबल स्पून। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश अमूल क्रीम। यहाँ पे आप अगर आपके पास फ्रेश अमूल क्रीम नहीं है तो यहाँ पे आप सादी दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 2 बड़े चम्मच के लगभग मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेश अमूल क्रीम। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए पिंक सॉस हमारा रेडी हो चुका है। आप शायद इसमें हल्का सा वाटर ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तीखे और खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप 1 टेबल स्पून के लगभग। परफेक्टली डन हो चुका है हमारा पिंक सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड पास्ता जो मैंने पहले से बॉयल करके स्ट्रेन करके रखा है। जिसमें बॉयल करने के बाद मैंने इसे सॉल्टेड वाटर में बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून के लगभग ऑयल ऐड किया है ताकि हमारे पास हमारा पास्ता खिला खिला रहे, देख सकते हैं। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट हम इसे और पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में हमने इसे पका लिया है, देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। डिलीशियस पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे सर्विंग बाउल में। गैस को कर देंगे ऑफ। तो रेडी है हमारा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नेक्स्ट रेसिपी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।